प्रयागराज में चल रहे आस्था के सबसे बड़े मेले माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर ढंग से चाक चौबंद कर दी गई है। देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक माघ मेले में इस बार 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें मेला और शहरी इलाकों को शामिल किया गया है। प्रमुख स्नान पर्व के दिन मेला क्षेत्र में पुलिस के आला अधिकारी और जवानों के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां और ATS की टीमों को लगवाया गया है। मेला क्षेत्र में 174 CCTV कैमरों को लगवाया गया है, जिसमें 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों से भी सभी की गतिविधियों की निगरानी रखी जा रही है। 43 दिनों तक लगे इस मेले में 13 थाने और 38 पुलिस चौकी को भी बनाया गया है, और साथ ही 13 फायर स्टेशन भी मेला क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। साथ ही पूरे मेला क्षेत्र में करीब 3500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो हर व्यक्ति की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहे हैं। उत्तर प्रयागराज में देश दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगा है, और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में सुरक्षा सवालिया निशान खड़े होते हैं प्रशासन के लिए कि इतनी भारी तादाद में जब श्रद्धालु आएंगे तो उनकी सुरक्षा किस तरीके की होनी चाहिए। हम मौजूद हैं मेला क्षेत्र में, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पूरे मेले में 43 दिन का ये मेला है और तकरीबन 3500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, और जगह जगह पर निगरानी के लिए CCTV कैमरा लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे की मदद ली आ रही है। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति के ऊपर पैनी नजर रखी आ रही है। STF के जवान को भी यहाँ बुलाया है, ब्लैक कमांडोज भी हैं। अगर हम जल पुलिस की बात करें तो जल पुलिस में भी यहाँ तैनात की गई है, NDRF की टीम है, PAC की टीम है। तो कुल मिला करके तकरीबन 3500 से ज़्यादा यहाँ पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, और अधिकारियों का भी ये कहना है कि हर एक दिन 43 दिन ही वो सभी दिन को मेन स्ट्रीम मान रहे हैं कि सभी दिन में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में कोई भी वो छोटी सी चूक नहीं रखना चाहते। और जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। ऐसे में जितने भी यहाँ श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा एक अहम है और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, लाइव टुडे प्रयागराज। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से माघ मेला क्षेत्र में होने जा रहे 2 दिवसीय बैठक की पूरी तैयारी कर ली गई है। माघ मेले में हर साल विश्व हिंदू परिषद की बैठक होती है, जिसमें संत सम्मेलन बैठक में हिस्सा लेते हैं। साथ ही इस बार VHP की मार्गदर्शक मंडल की बैठक भी होने जा रही है, जो आने वाली 20 जनवरी को रखी गई है। ये दोनों बैठक विश्व हिंदू परिषद के शिविर में होनी है, और इन दोनों बैठक में विश्व हिंदू परिषद के नेता समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए साधु संत भी हिस्सा लेंगे। दूसरे दिन 21 जनवरी को विराट संत सम्मेलन को रखा गया है, जो दोपहर 2:30 बजे से विश्व हिंदू परिषद शिविर में आयोजित होगा। संत सम्मेलन में कई विचारणीय विषय रखे गए हैं, जिसमें प्रमुख विषय राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मुद्दा रखा गया है। जीवन मूल्य, गंगा की दशा और गौ माता जैसी विषयों पर साधु संत चर्चा करेंगे, और इस बैठक में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास, महंत महेश्वरा श्रम जी महाराज समेत कई और भी संत मौजूद रहेंगे। VHP की बैठक को लेकर काशी प्रांत के उपाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल और विभाग मंत्री से बात की हमारे संवाददाता ने। तट पर देश दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगा है, और इस धार्मिक मेले माघ मेले में लाखों और करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर हम माघ मेले की बात करें तो माघ मेले में 20 और 21 तारीख अहम है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक और 21 तारीख को संत सम्मेलन है। और आप हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये राम मंदिर का प्रस्तावित मॉडल है VHP की तरफ से, जो प्रस्ताव में लाया जाएगा कि इसी मॉडल के तहत ही राम मंदिर का निर्माण हो। और हमारे साथ यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत के उपाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी, हम आपसे बातचीत करेंगे जी। 2 दिन की बैठक होनी है, ऐसे में क्या प्रस्ताव रहेंगे और कौन कौन साधु संत आएंगे, और 2 दिन की बैठक क्या है? विश्व हिंदू परिषद की 20 तारीख को मार्गदर्शक मंडल की बैठक है, 21 तारीख को संत सम्मेलन है, और ये प्रतिवर्ष माघ मेले में और कुंभ मेले में होती आई है। ये एक जनरल प्रक्रिया है विश्व हिंदू परिषद, इसमें संसद लगती है और संत सम्मेलन होता है। इस बार संसद नहीं है, संत सम्मेलन है, और इसमें जो है पूरे देश के बड़े 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 सभी मठों के और बड़े सभी शंकराचार्यों को प्रस्तावित किया गया, आमंत्रित किया गया है, और बड़े बड़े सभी संत आएंगे इसमें।
करीब 250 संतों का है और माघ मेले में आयोजित संत है सबको प्रस्तावित किया जा रहा है। हमारी 20 टोली पूरी माघ मेले में लगी हुई हैं और लगभग संतों को आमंत्रित करने का कार्य पूरा हो गया है और इसमें भक्त भी लाखों हजारों संख्या में भक्त भी आएंगे। 20 तारीख को मार्गदर्शक मंडल यह निर्णय लेगा, अपना प्रस्ताव रखेगा भिन्न भिन्न विषय पे, जैसे मंदिर निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हो, जनसंख्या नीति का क्या क्या तरीका हो, क्या प्रारूप होगा, समान नागरिक संहिता कैसी होगी, उसका क्या क्या प्रारूप होगा, गंगा गाय आदि जीवन मूल्य संस्कृति आदि सब जो है संसद ये जो है संत सम्मेलन में मार्गदर्शक मंडल 20 तारीख को निर्णय लेगा और 21 तारीख को जब सभी संतों के सामने उसको प्रस्तावित करेगा और जब संतों की मोहर लग जाएगी उसमें तो विश्व हिंदू परिषद उस काम को आगे। एनआरसी और सीए का भी काफी चर्चा में है और ऐसे में क्या इस विषय पर भी चर्चा हो सकती है? नहीं, सीए तो कानून बन चुका है और उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एनआरसी का भी कोई बात ही नहीं है सरकार की और एनआरसी भी हमारे मुद्दे में संतों के मुद्दे में शायद नहीं हो, बाकी जो भी संत निर्णय लेंगे वो हम लोग लागू करेंगे, संतों का विषय है। राम नवमी के दिन राम मंदिर का निर्माण हो ऐसा साहु संतों कहना है, तो क्या ऐसा भी बातें उठेंगी कि राम नवमी संत जो भी तिथि तय करेंगे विश्व हिंदू परिषद को लागू करेगा और जहां तक संभावना है रामनवमी के दिन ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा, लेकिन ये कार्य संतों का है, निर्णय उनको लेना है, विश्व हिंदू परिषद उनकी अगुवाई में काम करता है। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारी तैयारियां पूर्ण हो गई है बैठक के लिए और संत सम्मेलन के लिए। सब जितने भी संत महात्मा, पूजनीय संत महात्मा देश के और अपने जो बाहर के भी संत महात्मा हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है और माघ मेले क्षेत्र में जो इस समय पूजनीय संत महात्मा निवास कर रहे हैं उनको भी आमंत्रण पत्र भेज दिया गया है और हमारी एक टीम गठित है 20 लोगों की, वो प्रति कैंपों में जाके संत महात्माओं को आमंत्रित कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। ये 20 तारीख को कितने बजे से ये कार्यक्रम? 2:30 बजे से। और 21 को भी 2:30 बजे से। 20 तारीख को वाला कार्यक्रम जो मार्गदर्शक मंडल बैठक है वो एक इंटीरियर वो मतलब एक बजे से 4 बजे तक है और 2:30 बजे जो बैठक है संत सम्मेलन वो 2:30 बजे से। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि दो अहम बैठकें यहाँ पर होनी है विश्व हिंदू परिषद रहते और उसमें तय होगा कि राम मंदिर का जो प्रस्तावित मॉडल जो विश्व हिंदू परिषद ने दिया है वो आखिर प्रस्ताव में पास होता है कि नहीं और राम नवमी के दिन राम मंदिर का निर्माण हो पाता है नहीं, ये उस बैठक में ही तय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, लाइव टुडे, प्रयागराज।